यार दोस्तों प्लीज बताना मैं क्या करूँ यार, मैं इतना ज्यादा इस चीज से तंग आती हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे एडवाइस करना मैं क्या करूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फैमिली एंटरटेनमेंट। दोस्तों कैसे हो आप लोग? और हम लोग अच्छे हैं, अभी बीच में हमारा ब्लॉग नहीं पता है दो तीन दिन, इसका रिएक्शन देखो कितना। और पता है फहद के दांत ऊपर के निकले आए हैं, मतलब बच्चों के जो दांत निकलते हैं ना सीधा दो निकले, फहद अपने दांत ना टेढ़े जमा रहा है, टेढ़े फहद के दांत ये निकल रहा है, वो बीच का भी नहीं निकल रहा है, उधर साइड का निकल रहा है, बीच का भी खाली है। हमारा बीच में ब्लॉग नहीं आ पाया था दोस्तों, क्योंकि हमारी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, फहद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा फहद में बिजी थी और नदीम भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहे थे। प्लीज़ यार हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें ये बात बार बार कहना पड़ती है कि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सो आप इस चीज़ को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो यार, प्लीज़ यार कर लो ना। मेरा फहद देखो आपको कितना इंटरटेन करता है, कितना मस्ती करता है, क्यों फहद मेरा दाई कहता है, दाए। और मेरा फहद आपको क्या कहता है, बोए, हर चीज को क्या कहता है, बोए। नदीम को काफी लेट हो गया, ठीक है यार तीन दिन से ब्लॉग नहीं गया, अब ब्लॉग अपना शूट कर लूं, थोड़ा सा प्रॉपर हो जाऊं, होता है ना एक बार काम को छोड़ दो तो रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है यार, ये बहुत ज़्यादा ऐपदार है, इतना ज़्यादा काम करने लगा है। और पता है एक चीज़ और, ये मारने बहुत ज़्यादा लगा है, मतलब बच्चे होते हैं ना इतना ज़ोर से नहीं मारते हैं, इसका इतना ज़ोर से हाथ पड़ता है, इतना ज़ोर से हाथ पड़ता है कि इंसान रॉकेट बन जाता है, ये मेरे को रॉकेट बना देता है, बहुत तरीके से मारता है। व्हाट हैपेंड आप लोगों ने सुना फहद ने क्या कहा? मेरे फहद ने अल्लाह मम्मा, अरे चलो 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 दूर चलना, आप लोग घूमी घूमी करने जाए, डैडी आ गए, डैडी डैडी डैडी। यार ये बहुत ज्यादा है, अल्लाह मम्मी मुझे कंट्रोल में नहीं आता है बिल्कुल भी। बेटू बात तो सुनो, प्लीज बात तो सुनो, एक बार सुन तो ले प्लीज, मेरा बच्चा है, एक बार सुन ले, एक मिनट दोस्तों मैं इसको रोक लूँ। हाँ मैं आपको बता रही थी यार दोस्तों, प्लीज़ बताना मैं क्या करूँ यार, ये इतना मारने लगा, इतना ज़िद्दी, इतना गुस्से का तेज़ हो गया है, मतलब अगर किसी चीज़ की ज़िद कर लेता है ना तो ये मतलब गिर ही जाता है नीचे, इसकी चोट लगे कुछ भी लगे इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम फैल जाता है, मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ से तंग आती हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। और कहीं भी जाके पहले इतना अच्छा था, मतलब मैनर्स वाला था, बट अभी इस टाइम पे सच बताऊँ तो मैनर्स लेस हो रहा है, मैनर्स लेस। मैं इसको मारना भी मतलब किसी ने नहीं सिखाया, उसके बावजूद भी यार पता नहीं क्यों इतना मारने लगा है और इतनी ज़िद दिखाने लगा है, जैसे पहले रहता था वैसे ही रहे, और जितना जितना बड़ा हो रहा है ना उतना उतना बदतमीज टाइप का हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे एडवाइस करना मैं क्या करूँ और कैसे इसको सुधारूँ। और यकीन मानना मैं अपना होल टाइम इसको देती हूँ, मैं अपना होल डे अपना घर बंद रखती हूँ, होल डे जिसे बोलते हैं, और घर काफ़ी ज़्यादा बंद है, सिर्फ एक गेट ही गेट है, बाकी जिससे हवा हवा जाने का भी कोई वो नहीं है, जो रूम की विंडो है वो भी बंद रहती है, छोटा है बट कोई नहीं यार, होता है ना अब रेंट तो रेंट ही होता है, बट उसके अकॉर्डिंग फिर भी मैं इसका इस चक्कर में बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं इसको होल डे बाहर नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पर जब मैं खाना वाना बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट नहीं इसके खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। दोस्तों आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस कि मैं इसको कैसे सुधारूँ, क्या ऐसे मतलब करूँ जिससे ये समझदार हो जाए थोड़ा। मैं गुस्से में कभी कभी जो करता तो मैं एक आध थप्पड़ लगा देती हूँ, बट मुझे ये लगता है कि थप्पड़ से मारने से बच्चा और ज़्यादा बदतमीज़ होता है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं मारती हूँ, मैं इसको प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, संभल जाए। यस माय बेबी, हाय बोलो दोस्तों को, हाय बोलो, बाय। लेट भी काफ़ी हो गया, 8 बज गए हैं और अभी तक नदीम ऑफिस से नहीं निकले थे, और पता नहीं यार आज कितना लेट हो जाएगा यार। लेडीज़ होती हैं ना, मतलब कहीं बैठने जाती हैं, चार औरतों में बैठ जाती हैं, वहाँ बातचीत करती हैं, इन्हीं की आदत है। जब मैं अपने घर पे रहती हूँ तो मैं अपना होल डे
अपने बेबी के साथ स्पेंड करती हूँ, अपने फहद के साथ स्पेंड करती हूँ, लेकिन साथ में एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बरेली सेटल हो जाएं, पर तो थोड़ी सी कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बट क्या करें, जॉब वाला तो जॉब वाला ही होता है। अपने तीत दिखाओ, अपने तीत दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंसते ना गुड्डा मिला, हंसते ना मेरा गुड्डा, हंसते ना मेरा गुड्डा, हंसते डैडी, डैडी ऑफिस गए। ये मेरे से दिन में 10 बार पूछता है कि डैडी डैडी मतलब उसके डैडी कहाँ है, और मैं इसको 10 बार में एक ही जवाब देती हूँ, डैडी ऑफिस गए। अरे बाप रे, तुम इसे नहीं करते, देखा, बताओ प्लीज, समी एडवाइस, समी गिव एडवाइस कि मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ प्लीज यार, दोस्तों कुछ बताओ मैं क्या करूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, या बच्चों की या फिर मेरे को पता नहीं है, या बच्चों की स्टेज ही होती है मारने की, इसमें बच्चा थोड़ा मारना सीखता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि हम आखिरकार क्या कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि बेबी हो तो वो मेरे को एडवाइस कर सकता है, बता सकता है कि मैं इससे स्टेज पे क्या करना चाहिए, ये बच्चों का जैसे क्या होता है, क्या कंडीशन आती है, वो मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। प्लीज़ हम लोगों को बताना कि हम लोग किस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाएँ, और आपको हमारी किस टाइप की वीडियो पसंद हैं, और अगर प्रैंक पसंद है तो बताना कि किस तरीके की हम प्रैंक बनाएं, क्या मतलब एक दूसरे के साथ क्या प्रैंक करें। आप जानते हो कि प्रैंक जो है वो बिना बताए करो तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। बताना कि हमारी वीडियोस मतलब आपको किस टाइप की पसंद हैं, और जो मैंने आपसे बोला है वो एडवाइस भी ज़रूर दें। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बिकॉज मुझे आप लोगों से बस थोड़ी सी बात ही करना थी, और ज़्यादा कुछ था भी नहीं स्पेशल जो मैं दिखाऊँ। या ना चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ 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 जो बोला है उस पर खास कर ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह।